महान भारत के महामहिम गुरुजनों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सादर प्रणाम। भारत माता के माथे के बिंदी है हिंदी, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता है हिंदी, भारत की भावात्मक एकता, आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक है हिंदी। हिंदी भाषा की चेतना देश और दिल को जोड़ता है, इसलिए गांधी जी ने कहा, राष्ट्रभाषा के बिना यानी हिंदी भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसलिए बोलो बोलो हिंदी बोलो, हम है हिंदुस्तानी। बोलो बोलो हिंदी बोलो, हम है हिंदुस्तानी। हिंदी बोले बिना हम कैसे बनेगी हिंदुस्तानी, हिंदी बोले बिना हम कैसे बनेगी हिंदुस्तानी। प्यार से बोलो, ध्यान से बोलो, दिल से बोलो, हिंदी बोलो। प्यार से बोलो, ध्यान से बोलो, दिल से बोलो, हिंदी बोलो। इस हिंदी के सम्मान में पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के मौके पर आप सभी को बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। गांधी जी के साथ साथ कई महापुरुषों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए अथक प्रयास किया, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त जैसे कई नामी लोग इसमें शामिल थे। अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी तरह से अंग्रेज जानने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। गांधी जी ने कहा, जाकर सारे दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। 1918 के बाद उन्होंने किसी भी क्षेत्र में गया तो केरल में हो या आंध्र प्रदेश में हो या गुजरात, उन्होंने हिंदी में ही बोला करता था। जो अंग्रेजों के साथ चर्चा के लिए लंदन में गया, तब भी उन्होंने दुभाषियों के सहारे हिंदी में ही बातें करता था। काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए इस दिन को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ढोंड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ढोंड नामक मशहूर हिंदी फिल्म का ये डायलॉग आप सभी सुना होगा। मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन करके बताना चाहता हूँ। हिंदी भाषा के बिना भारत देश का विकास मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही बात बहुत साल पहले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था। उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। ज्ञान का जो भंडार संस्कृत भाषा के द्वारा विरासत के रूप में हमें मिला है, वो ज्ञान आम जनता तक पहुंचने का सबसे सरलतम मार्ग हिंदी सरिदा ही है। हिंदी एक उदार भाषा है। भाषा जितनी उदार होगा उतनी ही लोकप्रिय भी। कई विदेशी शब्द जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, अनेक शब्दों को हिंदी ने स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए रेल शब्द, रेल एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में लोह पद गमनी कहते हैं। वैसे साइकिल, साइकिल भी एक अंग्रेजी शब्द है, उसे
हिंदी में द्विचक्र वाहिनी कहेगा। वैसे न्यायालय, न्यायालय के लिए अदालत शब्द, अदालत एक उर्दू शब्द है, उसे हम सीखा रहे हैं। तो हिंदी भाषा को किसी तरह का दिक्कत नहीं है जो विदेशी शब्दों को स्वीकार करने में। वैसे हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा भी है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वो लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है वैसे ही इसका उच्चारण भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी अपने आप एक संपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा भारत की सीमाओं को लांघ कर अब दुनिया के अधिकांश देशों में पहुंच गई है। चीन के बाद सबसे अधिक लोग बोलने वाली भाषा हिंदी ही है। लगभग 120 करोड़ के लोग हिंदी बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश में दूसरी बार सत्ता में आने का एक कारण हिंदी भाषा की ताकत को उन्होंने पहचाना है। उन्होंने उस ताकत का सही इस्तेमाल उन्होंने किया है। हिंदी भाषा की ताकत को अब हमारे पड़ोसी वाले देश भी समझ चुका है। इसलिए चीन अपने देश में हिंदी भाषा में एक रेडियो शुरू किया है। वैसे जर्मन भी ऐसे एक रेडियो की शुरुआत की है, और कई देशों ने भी ऐसे करने की विचार में है। यह दिखाता है कि हिंदी भाषा की ताकत अब दुनिया समझ चुका है। हिंदी भाषा का साहित्य समृद्ध एवं स्तरीय है, और हिंदी फिल्म और फिल्म गीत का प्रचार भी हिंदी भाषा के प्रचार में बहुत सहायक हुई। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, मैं दुनिया की सभी भाषाओं का इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे देश में हिंदी का इज्जत ना हो तो ये मैं सह नहीं सकता। हिंदी हमारी देश की शान है और हमारे अभिमान है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिससे हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता व्यक्त कर सकता है। हमारे देश की पहचान है हिंदी। हिंदी दिवस के शुभ मौके पर हिंदी भाषा की संरक्षण की संकल्प ले। बोलो बोलो हिंदी बोलो, हम है हिंदुस्तानी। हिंदी बोले बिना हम कैसे बनेगी हिंदुस्तानी। प्यार से बोलो, ध्यान से बोलो, दिल से बोलो, हिंदी बोलो। जय हिंदी, जय हिंद। थोड़ा तो जग